इन लोगों को ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज़ सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ आइदर सेंसेस और एनी एक्शन अकीन टू सेंसेस। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसेस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से, रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं, और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था, और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। तो ये बात तो प्रमाणित होगी ना।